नहीं, हमने उनको गुलदस्ता दी और हम जब पूछ रहे थे तो तुरंत वो उठ करके अजय कुमार सैठवार जो कि उपाध्यक्ष हैं और वो जो है मारपीट शुरू कर दिया। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भी मारपीट शुरू कर दिया, सब लोग मारना पीटना शुरू कर दिया। उस समय जी नहीं, मैं टिकट के लिए दावेदारी की थी और मैं शुरू से बोल रही थी कि किसी को भी दिया जाए लेकिन एक सही आदमी को दिया जाए ताकि अच्छा संदेश जाए पार्टी की तरफ से जो है। लेकिन इन लोगों ने रेपिस्ट को दिया तो मैं पूरी रात सोई नहीं, मैं बेचैन हो गई कि हम समाज को क्या मुँह दिखाएंगे कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम ही लोग किसी रेपिस्ट को टिकट दे रहे हैं। तारा यादव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। तारा जी, मामला क्या है, क्या हुआ था वहां पर, गुलदस्ता आपने भेंट किया था, क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि आपने फेंक कर मारा था। ये बात गलत है और मैं भूखे नहीं थी और सचिन न्याय जी से अपनी बात रख रही थी। मैं यही बोल रही थी कि हम लोग जो है कि हाथरस की बेटी के लिए जो है हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। हमारी पार्टी की जो प्रियंका गांधी जी है और सभी बड़े नेता कार्यकर्ता रोड पर सब लोग हम लोग उतरे हैं और यहाँ आप लोग रितेश को टिकट देकर के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे हमारी पार्टी की छवि खराब होगी। मैं खुद गांधी जी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली हूँ और हम लोग जो है अगर ऐसे रितेश को टिकट देंगे तो हमारी पार्टी की छवि खराब होगी। और यही सब बातें मैं उनसे कर रही थी कि प्लीज ये टिकट जो है कैंसिल कर दीजिए और किसी साफ सुथरे छवि वाले को दे दीजिए, ये टिकट कैंसिल कराइए। और यही सब क्या आप भी टिकट पाना चाह रही थी तारा जी? देखिए, मैं टिकट के लिए मैं अप्लाई की थी, इससे पहले भी 2019 में मैं लोकसभा के लिए टिकट के लिए अप्लाई की थी। तो टिकट नहीं मिलने से इसका मतलब थोड़ा है कि मैं नाराज हो जाऊंगी, मेरी नाराजगी उससे है। मैं पार्टी की वफादार सिपाही हूँ, मैं पार्टी के बारे में कोई भी गलत कोई बात करे, गलत कुछ भी होगा तो मैं आवाज बुलंद करूंगी, चाहे मेरी मुझे मौत के साथ कोई उतार दे, लेकिन पार्टी की छवि को कोई खराब करेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तारा जी, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी क्योंकि वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, जो आप पर आरोप लग रहा है वो ये कि क्योंकि गुलदस्ता फेंका गया इसलिए मारपीट और हंगामा शुरू हुआ। आप कुछ और बात बता रही, आप कह रही कि एक रेपिस को टिकट दिया गया जिसका विरोध करने और आप अपनी बात रखने के लिए वहां पर गई थी, शुरू कहां से हुआ ये मारपीट का मामला? जब मैं वहां सचिन नायक जी से बात कर रही थी, मेरे हाथ से भूखे था और मैं जब बात कर रही थी तो मैं यही कही कि सर एक रेपिस्ट को टिकट देकर के आप जो है क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि पार्टी की छवि जिस तरह से अच्छी बनी हुई है वैसे ही रहे। हम लोग गांधी जी के विचारधारा को मैं तो मानती हूँ और इसी के तहत मैं ये सब जो है इसका विरोध की। मैं गांधी जी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी की फॉलोअर हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी रेपिस्ट को टिकट दिया जाए। आप मैं उनसे बोली सचिन नायक जी से कि आप किसी साफ सुथरे छवि वाले को टिकट दे दीजिए लेकिन ये टिकट कैंसिल करवाइए। ये और किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और उसके बाद से जो मारपीट शुरू हो गया। क्या आपने किसी से शिकायत की इसकी मारपीट की? देखिए, जब मैं असंगठित कमेटी की जो है जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनको हमने अरविंद सिंह जी को मैं क्या क्या बात हुई आपकी उनसे? मैं अपना जो भी है वीडियो जो है जी, तो क्या मांग की आपने फिर उनसे? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता है हमारी प्रियंका गांधी जी है, राहुल गांधी जी और भी वरिष्ठ नेता है। जब पूरी जो भी यहाँ पर घटना घटती है उसकी पूरी जानकारी उनको मिलेगी तो उन कुछ ना कुछ करेंगे, जो भी करेंगे मुझे वो मंजूर है और मुझे पूरा विश्वास है। और सुरेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला है कि कल शाम तक कार्रवाई सबको हो जाएगी। और मेरा यही है कि किसी रेपिस्ट को टिकट ना दिया जाए और पार्टी में जो भी हिंसात्मक तत्व वाले लोग हैं उसके प्रति जो भी पार्टी कार्रवाई करेगी मैं उसको मानूंगी जी। मैं खुद एक जो है सच्ची सिपाही हूँ कांग्रेस की और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का बुरा हो, नजरों में लोगों को कांग्रेस पार्टी के लोग गिर जाए। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को कि हम लोग जो खुद ही हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने ही पार्टी में किसी को टिकट दे दिया जाए वो जो रेपिस्ट है उसको।
ये बात तो खैर पूरी कांग्रेस को भी समझनी चाहिए। चलिए आप हमारे साथ रहिए तारा जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम आपसे समझेंगे, आपसे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मामला अब महिला आयोग तक भी पहुंच गया है, महिला आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा क्या कह रही है, जरा वो सुन लेते हैं पहले, फिर आती हूँ आपके पास तारा जी।